श्योपुर में चंबल नदी में नहाने गए 7 साल के मासूम पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि मगरमच्छ के हमले से बच्चा गहराई में चला गया, तो वहीं बच्चे का शव सुबह 8 बजे मिला। कुछ ग्रामीणों ने मगरमच्छ को हमला करते हुए देख लिया था, जिसके बाद ग्रामीण नदी में उतरे और मगरमच्छ को पकड़ लाए। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि बच्चा मगरमच्छ के पेट में है। आपको बता दें कि 4 घंटे बाद भी मगरमच्छ ने कोई हरकत नहीं की तो उसे वन विभाग के हवाले कर दिया जाएगा। मामला जिले के रघुनाथपुर क्षेत्र के झिरौटा घाट पर चंबल नदी के किनारे का है। आपको बता दें कि लक्ष्मण सिंह केवट का 7 साल का बेटा अत्तर सिंह सुबह चंबल नदी में नहाने गया था। इस दौरान उस पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। हमले से अत्तर सिंह गहरे पानी में चला गया और गांव के दूसरे लोगों ने यह देख लिया। इसके बाद बच्चे के परिजन और ग्रामीण हाथ में लाठी डंडे और जाल लेकर नदी में चले गए। वहीं ग्रामीणों ने मगरमच्छ को जाल में फंसाकर बाहर निकाला और रस्सी से उसे बांध दिया। वहीं SDRF की टीम के तलाशने पर बच्चे का शव मिला। मगरमच्छ बच्चे को पकड़ नहीं पाया था। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि बच्चे को मगरमच्छ ने निगला है और वह उसके पेट में है। बच्चे को मगरमच्छ के पेट से निकाल कर ही उसे छोड़ेंगे। दिन भर चंबल नदी के किनारे लोगों का जमवाड़ा लगा रहा। वहीं घड़ियाल विभाग के अधिकारी ग्रामीणों को मगरमच्छ को छोड़ने के लिए समझाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।